तो क्या हाल चाल है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अमेजोन का ग्रेट समर सेल शुरू होने वाला है 2nd of May से, तो आपको यहाँ पे मैं कुछ ऐसे रनिंग शूज बताने वाला हूँ जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं इस सेल के अंदर, जो कि आपको डिस्काउंट मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए रनिंग शूज डिस्काउंट मिलते हैं तो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और आपको काफी अच्छे प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों 2nd May से ये सेल शुरू होगी अमेजोन के अंदर और 7th May तक रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं रनिंग शूज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, हालांकि मैंने इनमें से बहुत से रनिंग शूज को पहले भी कवर कर रखा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ही ब्रीफ में आपको बताऊंगा लिस्ट ऑफ द रनिंग शूज। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी में रनिंग शूज को डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट, जो कि आपको 3000 से लेकर 6000 के बीच में प्राइस रेंज देखने को मिलती है, एंड अबव 6000 जो रनिंग शूज है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी के रनिंग शूज है, उनके लिस्ट भी तैयार करी है। तो रनिंग शूज के नाम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये दोनों मेल एंड फीमेल के लिए है, इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखना। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर आपने हमें हेल्दी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। सारे रनिंग शूज़ के लिंक और साथ ही साथ सोशल मीडिया के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। हमारी रनिंग शूज़ की फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलता है 3000 से लेकर 6000 की बजट रेंज का रनिंग शूज़, जिसके अंदर जो सबसे पहला रनिंग शूज़ है जिसे आपको चेक करना है इस सेल के अंदर, वो है नाइकी का डाउनशूटर 13। नाइकी का डाउनशूटर 13 हाल ही में लॉन्च हुआ था और ये काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ हो सकता है अगर आप यहाँ पे रोड रनिंग के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो रनिंग शूज़ है इसकी अपर काफ़ी ब्रीदेबल है, साथ ही साथ इसका जो मिड सोल है थिक है और आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देता है रोड पे, और साथ ही साथ ये रनिंग शूज़ काफ़ी ड्यूरेबल है। वहीं इसके आउटसोल में आपको रबर आउटसोल देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देता है, और रनिंग शूज़ भी काफ़ी लाइट वेट है, आप ज़रूर इस रनिंग शूज़ को चेकआउट करें। वहीं जो नेक्स्ट रनिंग शूज़ है वो है एसिक्स का पैट्रियट 13, ये भी काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है एसिक्स का, और अगर आप यहाँ पे रनिंग करने की सोच रहे हैं या फिर आप एक ऐसा रनिंग शूज़ लेना चाहते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसके अपर में भी आपको ब्रीदेबल मैच देखने को मिल जाता है, मिड सोल इसका भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ड्यूरेबल है और आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देता है। वहीं बात करते हैं अगर इसके ओवरऑल कंफर्ट की, तो इसका कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है और स्पीड में आपको परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके साथ ही अगर इसके आउटसोल की बात करें तो काफ़ी ड्यूरेबल है और रबर का आउटसोल है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देता है। इवन जो रनिंग शूज़ है काफ़ी लाइट वेट है, तो आप इस रनिंग शूज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वही जो थर्ड रनिंग शूज़ है हमारी लिस्ट में, वो है नाइकी का रेवोल्यूशन 7, जिसे मैंने पहले भी कवर किया है। तो ये जो रनिंग शूज़ है ये भी काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है, नाइकी रेवोल्यूशन 6 का अपग्रेड ये रनिंग शूज़ है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, खासकर जो इसका मिडसोल है काफ़ी थिक हो गया है और इसके साथ जो इसका टो बॉक्स है वो वाइडर हो गया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलता है। अगर आप यहाँ पे रोड पे रनिंग करने की सोच रहे हैं तो ये रनिंग शूज़ आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि ये लाइट वेट भी है साथ साथ काफ़ी ड्यूरेबल भी है। वहीं इसके आउटसोल में भी आपको रबर आउटसोल देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देता है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट रनिंग शूज़ है वो है एसिक्स का वर्सा ब्लास्ट 2, ये भी काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है। अगर आपको डिस्काउंट में रनिंग शूज़ मिलता है अमेजोन के अंदर तो ज़रूर इसे कंसीडर कर लेना, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसके अपर की बात करें तो पूरी तरह से ब्रीदेबल है, मॉइस्चर मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करता है, साथ साथ काफ़ी अच्छा कंफर्ट देता है, ड्यूरेबिलिटी के मामले में काफ़ी ड्यूरेबल रनिंग शूज़ है। मिडसोल इसका काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको एम्पलीफोम मिडसोल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देता है। आउटसोल काफ़ी ड्यूरेबल है, जिसमें रबर का यूज़ किया गया है, और रनिंग शूज़ काफ़ी लाइट वेट है, जो कि आपको रनिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है। वही दोस्तों जो नेक्स्ट रनिंग शूज़ है हमारी लिस्ट में, वो है एडिडास का रन फाल्कन 3.0, जिसे मैंने पहले भी कवर किया है। अगर आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हैं हल्की फुल्की, तो आप इस रनिंग शूज़ को कंसिडर कर सकते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देगा, साथ ही साथ इसका जो मिडसोल है थिक है लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। वहीं अगर बात करें इसके टो बॉक्स की तो काफ़ी वाइडर है, तो अगर आपके फीट वाइडर हैं तो आप इस रनिंग शूज़ के लिए जा सकते हैं। अगर बात करें इस रनिंग शूज़ के अपर की तो काफ़ी ब्रीदेबल है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा हार्ड सोल देखने को मिलता है। वही बात करते हैं इसके आउटसोल की, तो इसका आउटसोल पूरी तरह से रबर का बना हुआ है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देता है, और ये रनिंग शूज़ भी काफ़ी लाइट वेट है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं इस सेल के अंदर। वही जो नेक्स्ट रनिंग शूज़ है जिसे आपको इस सेल के अंदर कंसिडर करना है, वो है यहाँ पे एसिक्स का जोल 4 रनिंग शूज़। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ हो सकता है अगर आपके फीट यहाँ पे थोड़े से वाइडर हैं और आप यहाँ पे रनिंग करना चाहते हैं ग्राउंड पे या रोड पे, तो आपको एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर इस रनिंग शूज़ के अपर की बात करें तो काफ़ी ब्रीदेबल है, वहीं अगर इसके मिडसोल की बात करें तो थिक इनफ है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देखने को मिल जाती है, मिड अमाउंट ऑफ कुशनिंग। वहीं अगर बात करते हैं इस रनिंग शूज़ के वेट की, तो काफ़ी लाइट वेट है और साथ ही साथ आपको ओवरऑल कंफर्ट काफ़ी अच्छा देता है। इसके साथ ही जो इसका आउटसोल है काफ़ी ड्यूरेबल है, और इसके आउटसोल में रबर का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप एंड ट्रैक्शन भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप इस रनिंग शूज़ को यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों 3000 से लेकर 6000 की रेंज में अगर आपको कोई ऐसा
रनिंग शूज चाहिए जो कि आपको ओवर प्रोनेशन में हेल्प करे, तो वहां पे हो सकता है प्यूमा का इमर्ज फोम 3D राइज रनिंग शूज। दोस्तों ये भी काफी अच्छा रनिंग शूज है, और आप अगर ओवर प्रोनेशन की दिक्कत से जूझ रहे हैं और आपको यहाँ पे मिड बेल सेगमेंट के अंदर ऐसा रनिंग शूज चाहिए जो कि आपको ओवर प्रेशर में हेल्प करे, तो आप इस रनिंग शूज के लिए जा सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छी ब्रिदेबिलिटी देखने को मिल जाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी ये रनिंग शूज़ काफ़ी अच्छा देता है जब भी आप इसे पहन के रोड पर रनिंग करते हैं या फिर कोई भी ट्रेनिंग करते हैं। और इसके साथ ही जो इस रनिंग शूज़ का वेट है वो भी लाइट वेट कैटेगरी के अंदर ही आता है, 300 ग्राम से कम आपको इसका वेट देखने को मिलता है, और जो इसके आउटसोल में रबर का यूज़ किया गया है वो इसे काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देता है। तो हर मामले में ये रनिंग शूज़ भी अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको यहाँ पे ओवर प्रोनेशन की दिक्कत रहती है और जिनका बजट यहाँ पे 3000 से लेके 6000 के बीच में है। तो अगर आप इस रनिंग शूज़ को भी चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। भाई दोस्तों 3000 से लेके 6000 के बीच में जो हमने कुछ और रनिंग शूज़ को यहाँ पे ऐड किया है जिन्हें आपको कंसिडर करना है इस सेल के अंदर, वो यहाँ पे एडिडास का गैलेक्सी 6 रनिंग शूज़। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी ब्रीदेबिलिटी देखने को मिलती है, साथ साथ इसका जो अपर है काफ़ी ड्यूरेबल है और जो इसका मिड सोल है काफ़ी थिक है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देखने को मिल जाती है। वहीं अगर इसके आउटसोल की बात करें काफ़ी ड्यूरेबल है और साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देता है। ये रनिंग शूज़ का जो वेट है वो भी लाइट वेट कैटेगरी के अंदर ही आता है, तो अगर आप इस रनिंग शूज़ को भी चेकआउट करना चाहते हैं तो इस सेल के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट रनिंग शूज़ है वो है यहाँ पे नाइकी का विनफ्लो 10 रनिंग शूज़, जिसको आपको इस सेल के अंदर कंसिडर करना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मिड बेल सेगमेंट के अंदर आता है। अगर आपको डिस्काउंट मिले तो इसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी ब्रीदेबिलिटी देखने को मिल जाती है, इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो इसका वेट है वो भी लाइट वेट है, और साथ ही साथ आपको इसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट रनिंग शूज़ है हमारे इस लिस्ट के अंदर वो है यहाँ पे A6 का जेलक्साइड 10 रनिंग शूज़। दोस्तों आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट यहाँ पे 6000 तक है, और अगर आपको डिस्काउंट मिलता है अमेज़ॉन की सेल के अंदर तो आपको इस रनिंग शूज़ को भी ज़रूर चेकआउट करना है, क्योंकि ये आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देने वाला है, क्योंकि इसमें जेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, साथ ही साथ आपको इसमें एम्पलीफोम टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो ये जो रनिंग शूज़ है आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देगा अगर आप रोड पर रनिंग करते हैं, इसकी जो ब्रीदेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ जो इसकी कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और अगर इसके यहाँ पे ग्रिप एंड ट्रैक्शन की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, और वहीं अगर बात करते हैं इसके ओवरऑल कंफर्ट की तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट देता है आपको जब भी आप इसे पहन के रनिंग करते हैं। तो अगर आपको ये सेल में मिलता है तो आप ज़रूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो सेकंड कैटेगरी है जिसके अंदर आपको प्रीमियम रनिंग शूज़ देखने को मिलते हैं 6000 से अवर प्राइस में, तो यहाँ पे जो सबसे पहला रनिंग शूज़ है जिसे आपको चेक करना है इस सेल के अंदर वो है यहाँ पे प्यूमा का इलेक्ट्रीफाइड नाइट्रो रनिंग शूज़। आप 2 के लिए भी जा सकते हैं, दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है, इसके अपर में आपको काफ़ी अच्छी ब्रीदेबिलिटी मिलती है, साथ ही साथ जो इसके जो फिटिंग है इसके अपर की काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेचेबल फिटिंग है। और अगर बात करें इसके मिडसोल की तो दोस्तों इसमें ड्यूअल मिडसोल आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देते हैं, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्पीड के लिए रनिंग शूज़ देख रहे हैं तो ये रनिंग शूज़ आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इसके मिडसोल में नाइट्रोजनेटेड फोम का यूज़ किया गया है जो इसे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्सिवनेस देता है, तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ हो सकता है अगर आपको यहाँ पे एक ऐसा रनिंग शूज़ चाहिए जिसे पहन के आप स्पीड से रनिंग कर सकें। तो यहाँ पे जो प्यूमा का इलेक्ट्रीफाई नाइट्रो 3 या फिर इलेक्ट्रीफाई नाइट्रो 2 है उसके लिए आप जा सकते हैं, अगर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाता है तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर आप यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल रनिंग शूज़ चाहते हैं, प्लस कुशनिंग वाला रनिंग शूज़ चाहते हैं, अगर आपके शिन में पेन है तो आप इस रनिंग शूज़ के लिए जा सकते हैं जो है A6 का जेल निम्बस 25। दोस्तों ये रनिंग शूज़ आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देगा क्योंकि इसमें FF ब्लास्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, साथ ही साथ आपको इसमें एम्पलीफॉर्म मिडसोल देखने को मिल जाता है, और इसके साथ ही आपको इसमें जेल का यूज़ देखने को मिल जाता है इस रनिंग शूज़ के हील के अराउंड, जो कि इसे काफ़ी अच्छी कुशनिंग देता है। और अगर मैं बात करूँ इस रनिंग शूज़ के ओवरऑल कम्फर्ट की तो एक काफ़ी कम्फर्टेबल रनिंग शूज़ है, अगर वेट वाइज बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है और ओवरऑल कंफर्ट काफ़ी अच्छा बढ़ाता है रनिंग शूज़। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपको ऐसा रनिंग शूज़ चाहिए जिससे आपको शिन पेन ना हो और काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्सिवनेस मिले, तो ये आपके लिए एक बेस्ट रनिंग शूज़ हो सकता है जो कि आपको इस डील के अंदर कंसिडर करना चाहिए। भाई दोस्तों प्रीमियम रनिंग शूज़ के अंदर जो हमारा नेक्स्ट रनिंग शूज़ है वो है यहाँ पे नाइकी का एयर जूम पेगासस 40 रनिंग शूज़। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डेली ट्रेनर के लिए रनिंग शूज़ चाहते हैं, डेली रनिंग के लिए रनिंग शूज़ चाहते हैं, तो ये रनिंग शूज़ आपके लिए काफ़ी परफेक्ट हो सकता है, आप इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रनिंग शूज़ काफ़ी ब्रीदेबल है, साथ ही साथ आपको जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी स्लीक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है,
लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छा है। इसमें जो रिएक्ट फॉर्म टेक्नोलॉजी है नाइकी की, वो भी इसे काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ बनाती है और साथ ही साथ जो नाइकी का जूम टेक्नोलॉजी है वो इसे काफ़ी अच्छी कुशनिंग देती है। और वहीं वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है और अगर यहाँ पे आप इसके ओवरऑल कंफर्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा वाइड साइज भी मिल जाता है। अगर आपके फीट वाइडर हैं तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। वहीं आउटसोल की बात करें तो रबर का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये काफ़ी एक परफेक्ट रनिंग शूज़ हो सकता है। अगर आप डेली यूज़ करते हैं रनिंग के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए तो आप इस रनिंग शूज़ को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट फीट से परेशान हैं तो आप नेक्स्ट रनिंग शूज़ के लिए जा सकते हैं जो है A6GT 2000। इसको भी मैंने पहले कवर कर रखा है, ये भी काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है जो कि आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देता है। अगर इस रनिंग शूज़ की बात करें तो काफ़ी ब्रीदेबल है, साथ ही साथ जो इसका जो मिडसोल है काफ़ी ड्यूरेबल है और इसमें आपको FF ब्लास्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। आपको इसमें ट्रस्टिक गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अगर इस रनिंग शूज़ की बात करें तो अगर आपको फ्लैट फीट है या फिर ओवर ओपनेशन की दिक्कत रहती है तो आप इस रनिंग शूज़ को ले सकते हैं, या फिर आप 5 किलोमीटर या उससे ओवर रनिंग करना चाहते हैं तो आप इस रनिंग शूज़ को ले सकते हैं। ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है अगर आपको अमेज़ॉन की डील में मिल जाता है और आप स्टेबिलिटी वाला रनिंग शूज़ लेने की सोच रहे हैं। वेट वाइज भी काफ़ी लाइट वेट है और परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छा है और ड्यूरेबिलिटी भी इस रनिंग शूज़ की काफ़ी अच्छी है, ग्रिप एंड ट्रैक्शन इसकी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों नेक्स्ट रनिंग शूज़ है वो भी एक स्टेबिलिटी रनिंग शूज़ है, वो है यहाँ पे A6 का जेल कैनन 28, 29 या 30। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी रनिंग शूज़ मिलता है डील पे तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं उसको भी, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी देता है, ओवर ओपनेशन की अगर दिक्कत है तो उसको दूर करता है और आपको अगर आपको फ्लैट फीट है तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक परफेक्ट आपको स्टेबिलिटी देगा, सपोर्ट देगा और काफ़ी लाइट वेट रनिंग शूज़ है। आप इसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वॉकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक स्टेबिलिटी रनिंग शूज़ है A6 का जेल कैनो 28, 29 एंड 30। वही दोस्तों प्रीमियम रनिंग शूज़ की लिस्ट में हमने कुछ और नाम यहाँ पे ऐड किए हैं जिसके अंदर है प्यूमा का एडल्ट कंडक्ट प्रो रनिंग शूज़। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है प्यूमा का, जो कि आपको स्पीड और परफॉर्मेंस देगा अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा हाई बजट रनिंग शूज़ लेने की सोच रहे हैं। और अगर आप बात करें इस रनिंग शूज़ की तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी ब्रीदेबिलिटी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर इसके मिडसोल की बात करें तो दोस्तों इसमें परफॉर्म लाइट मिडसोल आपको देखने को मिल जाता है। जो कार्बन प्लेट है वो आपको एनर्जी रिटर्न रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है जिसकी वजह से स्पीड के लिए काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ हो सकता है। अगर बात करें इस रनिंग शूज़ के वेट की तो लाइट वेट है और इसके साथ ही अगर इसके आउटसोल की बात करें तो ग्रिप एंड ट्रैक्शन काफ़ी अच्छी है क्योंकि रबर का यूज़ किया गया है और जो रनिंग शूज़ है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ पे फास्ट रनिंग शूज़ लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। न्यूली एडेड रनिंग शूज के अंदर जो नेक्स्ट नाम है वो है यहाँ पे न्यू बैलेंस का फ्रेश फोम 1080V12 रनिंग शूज़। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है, आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देगा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम रनिंग शूज़ की सोच रहे हैं और आप ऐसा रनिंग शूज़ चाह रहे हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे, काफ़ी अच्छी कुशनिंग दे, साथ ही साथ दिखने में भी काफ़ी अच्छा हो तो आप इस रनिंग शूज़ के लिए जा सकते हैं। भाई दोस्तों अगर आप स्पीड एंड रिकवरी के लिए रनिंग शूज़ ढूंढ रहे हैं तो नेक्स्ट जो रनिंग शूज़ है वो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है, जो है साउकुनी का किनवारा प्रो रनिंग शूज़। हालांकि बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। साउकुनी जापानी ब्रांड है और काफ़ी अच्छे रनिंग शूज़ बनाता है। अगर इसकी बात करें तो ये आपको काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देने वाला है, इसकी जो ब्रीदेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, साथ साथ अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है रोड पे। अगर आप इसे पहन के रनिंग करेंगे तो आपको प्लस कुशनिंग मिलने वाली है। आप चाहते हैं कि आपको प्लस कुशनिंग मिले, आपको जो रेस्पॉन्सिवनेस है काफ़ी अच्छी मिले तो आप इस रनिंग शूज़ के लिए जा सकते हैं। जो इसका आउटसोल है वो पूरी तरह से रबर का बना हुआ है, साथ ही साथ जो रनिंग शूज़ है काफ़ी यहाँ पे आपको लाइट वेट देखने को मिलता है। जो इसका मिडसोल है काफ़ी थिक है, रेस्पॉन्सिवनेस देती है, स्पीड देती है और रिकवरी देती है। तो अगर आप इस रनिंग शूज़ को यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया किन किन रनिंग शूज़ को आपको चेकआउट करना है जो कि सेल आने वाली है अमेज़ॉन के अंदर 2 मई से लेकर 7 मई तक रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे रनिंग करते हैं या फिर रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप इन रनिंग शूज़ को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल रनिंग शूज़ चाहते हैं तो आप इन रनिंग शूज़ को ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपको डिस्काउंट मिलते हैं तो आप ज़रूर इन्हें ले सकते हैं। तो मुझे ये वीडियो बहुत जल्दी बनानी पड़ी तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर आनी चाहिए। करते हैं वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय।